तीसरे ओडीआई में बाबर आजम का तूफानी शतक देख लाइव मैच में खुशी के मारे क्रिकेट ग्राउंड में घुस गए किंग बाबर के फैंस। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं बाबर आजम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे में नाबाद शतकीय पारी खेलकर इतिहास रच दिया। बाबर ने अपने वनडे करियर का 16 शतक लगाया। उन्होंने सलामी बल्लेबाज इमाम उलक के साथ दूसरे विकेट के लिए 190 रनों की साझेदारी की। बाबर और इमाम के बीच हुई इस मैराथन साझेदारी के दम पर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। बाबर वनडे में सबसे तेज 16 शतक जड़ने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। 27 साल के बाबर आजम ने अपना 16 शतक 84 पारी में पूरा किया। उन्होंने इस दौरान दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज हसीम आमला का रिकॉर्ड तोड़ा है। आमला ने 94 पारी में अपने वनडे अंतर्राष्ट्रीय करियर में 16 शतक लगाया था। इससे पहले बाबर वनडे में सबसे तेज 7वां, 13वां, 14वां और 15वां शतक जड़ने का विश्व कीर्तिमान अपने नाम कर चुके हैं। बाबर ने इससे पहले दूसरे वनडे में भी शतकीय पारी खेली थी। मौजूदा सीरीज में यह उनका लगातार दूसरा शतक रहा। 115 गेंदों पर नाबाद 105 रन बनाने वाले बाबर आजम ने अपनी इस पारी में 12 चौके लगाए, जबकि इमाम उलक ने 100 गेंदों पर नाबाद 89 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और एक छक्का भी शामिल था। मौजूदा सीरीज के पहले वनडे में दोनों ने 96 जबकि दूसरे वनडे में 111 रनों की साझेदारी निभाई थी। बाबर का वनडे में भी बल्लेबाजी औसत 59 से ज्यादा का है। रन मशीन बाबर आजम वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उनके नाम अब 84 पारियों में 16 शतक हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने दिग्गज मोहम्मद यूसुफ को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने 267 पारियों में 15 वनडे शतक लगाए थे। इस लिस्ट में पूर्व ओपनर साइद अनवर पहले नंबर पर हैं। अनवर के नाम 244 पारियों में 20 वनडे शतक दर्ज है। आपको बता दें कि तीसरे वनडे मुकाबले में बाबर आजम के शतक के दम पर पाकिस्तान की जीत के बाद बाबर आजम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस ने मैदान पर उतर कर जीत का जश्न मनाया है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।